मैनपुरी में तमंचा क्वीन का फोटो वायरल। फोटो वायरल सोशल मीडिया पर बना चर्चा का केंद्र। तमंचे को कनपटी पर लगाए महिला का फोटो वायरल। लड़कों ने झुंड में बैठकर दारू भी पीती हुई नजर आई तमंचा गर्ल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तमंचा क्वीन की फोटो वायरल। राजनीतिक संरक्षण। राजनीतिक लोगों के नजदीकियां होने के चलते पुलिस प्रशासन मूक। तमंचा क्वीन प्रकरण में राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस के अधिकारियों ने बोलने से किया इनकार। तमंचा क्वीन की दहशत। मीडिया ने की हकीकत की छानबीन। तमंचा क्वीन को लेकर ग्रामीणों में सात तरह तरह की चर्चा। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम चिरावर की रहने वाली बताई जा रही महिला विवाहित है या अविवाहित। तमंचा क्वीन तमंचा को इनको लेकर क्या कहते हुए नजर आए क्षेत्र के लोग। जिला मैनपुरी से अमित कौशिक की विशेष रिपोर्ट। दादा जी ये फोटो ये वायरल हो रहा है तमंचा कनपटी पे लगाए हुए है। इस लड़की का नाम क्या और किस गांव की रहने वाली है? साहब इसका नाम है नया लड़की, चिरावर की रहने वाली है जी। और इसका ये धंधा है, ये फोटो इसका तमंचा स्वयं लगाई। अच्छा ये तमंचा लगाए हुए है, इसको खुद रखती है क्या ये तमंचा? हाँ ये तमंचा। पिताजी का नाम क्या है इसके? पिताजी का नाम इसका नहीं मालूम। गजराज सिंह। अच्छा तो ये क्या मतलब किस तरह की लड़की है ये? अब क्या बताएं इसका, तो करेक्टर के बारे में क्या बताया था, इसका करेक्टर ही इतना गलत है। शादी भी हो चुकी है? शादी 3 साल पहले इसकी हो चुकी। अच्छा अपने पति छोड़ के ऐसी करती है तो उसको उसे क्या लेना देना। किस गांव के रहने वाले? हमारे सभापुर जास में। अच्छा भाई साहब ये फोटो जो आपको हम दिखा रहे हैं ये जो ना ये किस लड़की का फोटो है? ये है नेहा लड़की है चरावर की। अच्छा ये तमंचा लगाए हुए है, तमंचा रखती है क्या? गलत लगी है वो, और उसकी शादी भी हो गई है, वो इधर उधर वो तो कई चीजों में इन्वॉल्व है। नहीं तो क्या तमंचा रखने की आदी है ये? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा रखती है वो उसके पास। अच्छा तमंचा है। फोटो में तमंचा दिख रहा है। जी जी फोटो में तमंचा दिख रहा है, कनपटी में लगा के और ड्रिंक भी करती है। हाँ वो तो हमारे गांव में किसी को फंसाने के चक्कर में वो सब कुछ कर रखा है इसने ऐसा। अच्छा तो ये ड्रिंक की भी आदी है? बिल्कुल ड्रिंक की भी, शादी हो गई इसकी, आदमी को सरकारी आदमी उसका था उसको छोड़ के आ गई। अच्छा नौकरी करता था? नहीं वो सरकारी, हाँ सरकारी नौकरी में था। अच्छा उसको भी छोड़ के चला आरटीओ ऑफिस में और क्या।